आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बड़ौदा बाजार श्री सीमेंट प्लांट में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया था। शिविर में रक्तदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रायपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के ब्लड बैंक विशेषज्ञ एवं कर्मचारियों का दल उपस्थित रहा। रक्तदान शिविर में श्री सीमेंट के 170 कर्मचारियों ने उत्साह के साथ स्वेच्छा से रक्तदान किया। कंपनी के कर्मचारियों का ऐसा मानना है कि रक्तदान एक महादान है जिससे जरूरतमंद पड़ने पर किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। वहीं कंपनी के संयुक्त उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान वास्तव में एक परोपकार का बड़ा साधन है जिससे जरूरतमंद की सहायता की जा सकती है और हमारी कंपनी इस तरह के कल्याणकारी कार्यों में विश्वास रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि विगत 6 वर्षों से इस रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं और भविष्य में भी इसे जारी रखेंगे। रक्तदान करने के लिए अपने कर्मचारियों की सराहना की। इसमें मुख्य रूप से कंपनी के चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बड़ौदा बाजार से मुकेश कोरे की रिपोर्ट। वर्ष 2013 से हमारी जो कंपनी है श्री सीमेंट लिमिटेड, जिसकी इकाई है बड़ौदा बाजार में श्री रायपुर सीमेंट का, वो हर वर्ष इस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है और प्रत्येक वर्ष जो हमारे संयंत्र के कर्मचारी हैं वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनका ऐसा मानना है कि रक्तदान एक महादान है और इससे जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है और लोगों की आवश्यकता पड़ने पर जान भी बचाई जा सकती है। और आज भी रक्तदान शिविर के दौरान आपने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने रक्तदान में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और प्रबंधन भी इस तरह के कल्याणकारी कार्यों को हमेशा प्रमोट करती है और मैनेजमेंट का ऐसा सोचना है कंपनी का कि इस तरीके से रक्तदान शिविर का आयोजन आगे भी हम करेंगे जिससे कि जरूरतमंदों की जो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं उनकी सहायता की जा सके।